हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मिनिमाइजिंग एसओपी एंड पीओएस विद द हेल्प ऑफ के मैप। सो इन माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड कि कंसेप्ट क्या है, एसओपी और पीओएस होता क्या है, फिर व्हाट इज स्टैंडर्ड एंड कैनोनिकल फॉर्म, देन एसओपी को स्टैंडर्ड एसओपी में कैसे कन्वर्ट करना होता है, पीओएस को स्टैंडर्ड पीओएस में कैसे कन्वर्ट करना होता है, मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स कैसे फाइंड करना है। अभी इस वीडियो में हम मिनिमाइज करना सीखेंगे एसओपी एंड पीओएस को विद द हेल्प ऑफ के मैप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जाम में आपको दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन में आपको ऐसे मीन टर्म्स या मैक्स टर्म्स दिए जाएंगे और उसको मिनिमाइज करने को बोला जाएगा, नहीं तो ऐसा बूलियन एक्सप्रेशन दिया जाएगा और वो आपको मिनिमाइज करना होगा। अभी हम दोनों टाइप्स का एक एक सम सॉल्व करने वाले हैं, ओके। फिर एग्जाम में 3 वेरिएबल का भी आ सकता है या 4 वेरिएबल का भी आ सकता है, ओके। 3 का आया तो वो 5 मार्क्स के लिए होगा अराउंड, और अगर 4 वेरिएबल्स के लिए आया तो वो 10 मार्क्स के लिए होगा, ओके। बट मेथड इज सेम फॉर बोथ द टाइप्स, ओके। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंप्लीफाई बुलियन फंक्शन यूजिंग के मैप इन एसओपी एंड पीओएस फॉर्म्स एंड इम्प्लीमेंट विथ गेट्स। तो ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, मीन टर्म्स दी हुई है। मीन टर्म्स कब देते हैं, जब वो एसओपी होता है, और एसओपी कब लिखा जाता है, जब हमारा फंक्शन 1 होता है, ओके। तो हम के मैप में 1 पुट करने वाले हैं। अगर आपको इसके जगह मैक्स टर्म्स दी जाती, ओके, तो उस वक्त आप पीओएस कंसिडर करते, और पीओएस कब लिखा जाता है, जब फंक्शन 0 होता है, ओके। तो हम के मैप में तब 0 पुट करते, ओके। ये कंसेप्ट आपकी क्लियर हो गई। अभी ये 3 वेरिएबल फंक्शन है, तो आपको 3 वेरिएबल के मैप बनाना है। अभी स्ट्रक्चर आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करती हूँ, जिनको पता है वो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो 3 वेरिएबल्स में आपको 2 रोज बनाने हैं और 4 कॉलम्स बनाना है, ओके। आपके रो के साइड ये 1 वेरिएबल है, तो रोज कितने आएंगे, 2 रोज़, 0 और 1, ओके। और कॉलम्स की जगह बी और सी है, मतलब 4 कॉलम्स आएंगे, 0 0 0 1, और 0 1 के बाद जो 1 0 आता है वो यहाँ पे आएगा और 1 1 यहाँ पे आएगा, ओके। तो इसी की वजह से हमारी जो नंबरिंग है वो कैसी होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ये नंबरिंग थोड़ी आगे पीछे है, बस इतना ही है इसका स्ट्रक्चर, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी हमें ये जो मीन टर्म्स दी है उस नंबर पे हमें 1 पुट करना है। यहाँ पे 0 पे 1 पुट करेंगे, फिर 2 3 4 5 एंड 6, ओके। इसके बाद हमें क्या करनी होती है, इसके बाद हमें ग्रुपिंग करनी होती है। तो हमें पहले किसको प्रेफरेंस देना है, 8 को प्रेफरेंस देना है, तो 8 का ग्रुप यहाँ पे नहीं बनेगा, 4 का बन सकता है, ये ऐसे आप 4 का ग्रुप बना सकते हो। फिर इसके बाद इसको कंबाइन करके एक 2 का ग्रुप बना सकते हो, और इसको कंबाइन करके और एक 2 का ग्रुप बना सकते हो। तो अभी ये जो 4 वाला ग्रुप है, इसके लिए हम अभी एक्सप्रेशन लिखेंगे। अभी इसमें आपको क्या देखना है कि कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, कौन सा अनचेंज्ड है, ओके। तो आप यहाँ पे रोज़ में देखो, पहले रोज़ में ये जो ए वेरिएबल है वो 0 से 1 हो रहा है, ओके, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे आप कॉलम्स में देखो, कॉलम्स में यहाँ पे ये वाला कॉलम आपको देखना है और ये वाला, तो 0 0 और 1 0 में कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, ये वाला, ये वाला कौन सा है, सी है, और 0 है मतलब सी बार है। तो इस ग्रुप के लिए हमें क्या लिखना है, सी बार, ओके। सो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, सी बार, ओके। फिर ये वाला ग्रुप आप अभी देखो, इसमें ये जो रो है इसमें 1 दोनों में है, मतलब वो अनचेंज्ड है, ओके। 1 मतलब ए है इसमें अनचेंज्ड, और अगर यहाँ पे कॉलम्स में देखो, 0 0 और 0 1, इसमें क्या कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ओके, 0 0 कांस्टेंट है, मतलब बी बार कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए बी बार। अभी ये थर्ड ग्रुप कंसिडर करो, इसमें क्या कांस्टेंट है, ये वाली रो कांस्टेंट है, मतलब ए बार कांस्टेंट है, और ऊपर कॉलम में क्या कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ये 1 कांस्टेंट है यहाँ पे, तो आ गया बी, ओके। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, ओके, ये है एसओपी वाला फंक्शन। तो अभी इस इक्वेशन को हमें सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, ये वाला जो हमारा इक्वेशन है वो है एसओपी, ओके। और एसओपी में क्या है कि पहले मल्टीप्लिकेशन है, मतलब पहले हमने एंड लगाया हुआ है, और ये जो टर्म्स है वो हमें एंड करके इस और को देनी है, ओके। पीओएस में आप उल्टा देखोगे, पीओएस में पहले और होगा और फिर एंड होगा, जितने टर्म्स होंगे उतने एंड्स आ जाएंगे ऐसे, और अगर कोई सिंगल टर्म है तो वो डायरेक्टली ऐसे और को जाएगा, ओके, यहाँ पे सी बार है।
और इनकी यहाँ पे सम हो रही है और हमें ये फंक्शन मिल रहा है। अभी हमें POS निकालना है, तो POS में हमें क्या करना है, जहाँ पे ब्लैंक था ओके, हमारे यहाँ पे वन वन थे ओके, और ये वन और सेवन यहाँ पे ब्लैंक था, तो वहाँ पे हमें जीरो लिखना है ओके, क्योंकि हमारे मैक्स टर्म्स क्या होते हैं, जो हमारे मिन टर्म्स नहीं होते, जो उसमें एब्सेंट होता है वो हमारे मैक्स टर्म्स होते हैं। तो अभी इसमें ये जो जीरो है उसकी ग्रुपिंग करनी है, बट अभी यहाँ पे ये ग्रुपिंग नहीं हो सकती, तो इसलिए हमें ये ऐसे इंडिविजुअल ही लेने हैं ओके। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले जीरो के लिए ये वाले रो मतलब ए बार और बी बार सी ओके ये, फिर सेकेंड वाले जीरो के लिए हम क्या लिखेंगे, ये वाली रो मतलब ए और ऊपर क्या है बी और सी ए बी सी ओके। ये हमें क्या मिला है, शॉप में मिला है, बट हमें POS चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए बार बी बार सी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बार, जहाँ पे सम है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा और जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे सम होगी ओके। और जो वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, और जिस वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट नहीं है उस वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा ओके। सिर्फ अपोजिट करना है, बाकी कुछ नहीं। तो ये हमने POS भी निकाल लिया। अभी इस POS को सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, इनकी पहली सम करनी है, तो मैंने पहले और लगाया है ओके, और ये तीनों वेरिएबल्स इसको दिए हैं, और ये कॉम्बिनेशन जाएगा एक एंड को, और इनका मल्टीप्लिकेशन होगा ओके। तो ये हो गया POS का इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने SOP और POS दोनों के फॉर्म्स निकाले और दोनों को इम्प्लीमेंट किया ओके। सो दिस सम वॉज वेरी ईजी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसमें क्या दिया है, बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है। पिछले सम में हमें मीन टर्म्स डायरेक्टली दी हुई थी, अभी हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, और करना वही है कि हमें SOP और POS फॉर्म निकालना है। तो अभी ये फोर वेरिएबल फंक्शन है ओके। तो अभी मैंने यहाँ पे 0001 के जगह डायरेक्टली ए बार बी बार ए बार बी लिखा है, ताकि हम डायरेक्टली वो फंक्शन पुट कर सके के मैप में ओके। अभी फोर वेरिएबल के मैप का स्ट्रक्चर भी वैसे ही है, यहाँ पे 3 7 आता है 2 और 6 के पहले, फिर ये जो 12th वाली रो है वो ये 8th वाली रो के ऊपर आती है, और 15 और 11 पहले आते हैं, 14 और 10th है, कुछ नहीं बाकी है, सिर्फ एक सिंपल ग्रिड है जिसमें ए बी ये हमारे रोज है और सी डी हमारे कॉलम्स है ओके। सो फर्स्ट टर्म इज ए बी बार सी ओके। तो इसमें आपको ए बी बार कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो अभी इस रो में देखना है हमें कहाँ पे देखना है, सी जहाँ पे है वहाँ पे। तो कॉलम्स में देखो, आपको सी यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, तो इन दो कॉलम्स में और इस वाले रो में हमें वन डालना है, मतलब यहाँ पे वन आ जाएगा ओके। फिर नेक्स्ट टर्म देखो, ए बार बी सी डी बार, ए बार बी आप रो में देखो यहाँ पे है, और सी डी बार कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस वाले रो में और इस वाले कॉलम में आपको यहाँ पे वन डालना है ओके। फिर नेक्स्ट टर्म है ए बी सी बार डी, ए बी कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, तो इस वाले रो में सी बार डी यहाँ पे दिख रहा है, मतलब इस वाले सेल में आपको वन डालना है। लास्ट टर्म इज ए बी सी, ए बी कहाँ पे है, यहाँ पे, और सी कहाँ पे है, इन दो कॉलम्स में, तो आपको इन दो कॉलम्स में वन वन डालना है। अभी इनका आप ग्रुपिंग कैसे करोगे, एक तो ये बड़ा फोर का ग्रुप आ जाएगा एक ओके, इसको इसके साथ कंबाइन करके एक दो का ग्रुप बना जा सकता है, और इसको इसके साथ कंबाइन करके थर्ड ग्रुप बनाया जा सकता है ओके। तो अभी हमने के मैप में वन पुट कर दिया, इसके बाद हमने ग्रुपिंग भी कर दिया। अभी मैंने यहाँ पे ये जो ग्रुपिंग्स है वो अलग अलग कलर से दिखाए हैं, तीन ग्रुप्स के लिए मैंने तीन कलर्स यूज़ किए यहाँ पे। तो अभी ये जो रेड वाला है इसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो ये जो रेड वाला है ग्रुप, वो ये दो रोज कवर कर रहा है और ये दो कॉलम्स कवर कर रहा है ओके। तो रोज में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ए कॉमन है, और कॉलम्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, सी इज कॉन्स्टेंट ओके, डी इज चेंजिंग। सो इसका क्या इक्वेशन आएगा, ए सी। अभी ये ग्रीन वाला ग्रुप देखते हैं, ये कौन सी रो कवर कर रहा है, ये अकेली रो कवर हो रही है, ए बी इज कॉन्स्टेंट, सो इसमें ए बी आएगा, और कॉलम में कौन से कॉलम कवर हो रहा है, ये दो कॉलम्स कवर हो रहे हैं, और इसमें क्या कॉन्स्टेंट है, डी कॉन्स्टेंट है, सी बदल रहा है ओके, तो इसमें डी आ जाएगा ओके। फिर अभी ये ब्लू वाला एक ग्रुप बचा है जिसमें ये दो रोज कवर हो रहा है और ये एक कॉलम कवर हो रहा है ओके। तो रोज में ये बी कॉन्स्टेंट है, ए चेंज हो रहा है, और कॉलम में सी डी बार कॉन्स्टेंट है, तो ये आ गया बी सी डी बार ओके। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, ए सी प्लस ए बी डी प्लस बी सी डी बार। तो हमने ये सॉप फॉर्म में मिनिमाइज कर लिया ओके। अभी हमें POS के लिए करना है, तो POS के लिए मेथड वही रहेगी कि जहां पे वन नहीं है, जहां पे ब्लैंक है, वहां पे जीरो पुट कर दो ओके। तो ये हमने जीरो पुट कर लिया है। अभी इसका भी ग्रुपिंग करना है, तो हम इसका कैसे ग्रुप करेंगे, ये वाला एक बनाएंगे, फिर ये एक वर्टिकल बन जाएगा ओके।
ये वाले ऊपर के दो और नीचे वाले ऊपर के दो, फिर ये जो बच रहे वो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो इनको ये चारों के साथ ले लो और इनका एक बना दो। हम एक एक ग्रुप लेके समझेंगे और लिखेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट हमने चार का एक ग्रुप बनाया, तो इसमें क्या कॉमन है, ये वाली रो कॉमन है और जो कॉलम्स है वो तो चेंज हो रहे हैं। ओके, तो कांस्टेंट क्या है, ए बार बी बार, और इसको हमने पीओएस में लिखा है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो गया सम, और दोनों के ऊपर का जो बार है वो निकल गया। ओके, ये हमने पीओएस में लिखा, ये एसओपी में था। अभी नेक्स्ट ग्रुप है ये चार का, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, इन रोज में ए बार कॉमन दिख रहा है और इन कॉलम्स में सी बार कॉमन दिख रहा है, तो ए बार सी बार आ गया और उसको हमने पीओएस में लिखा ए प्लस सी। फिर ये नेक्स्ट ग्रुप है, इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे फिर से ए बार कॉमन है और अभी यहाँ पे क्या कॉमन है, डी कॉमन है ऊपर। ओके, तो ये हो गया ए बार डी, जिसको हमने पीओएस में लिखा ए प्लस डी बार। फिर इस वाले ग्रुप के लिए रोज चेंज हो रही है, सिर्फ कॉलम कॉन्स्टेंट है सी बार डी बार, और उसका पीओएस में आ जाएगा सी प्लस डी। ये लास्ट ग्रुप है, ऊपर के दो नीचे के दो, इन दो रोज में क्या कॉमन है, बी बार कॉमन है और ऊपर सी बार कॉमन है, सो बी सी बार हो गया और उसका पीओएस हो गया बी प्लस सी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरा एसओपी पहले लिख लो, के मैप से पहले ये वाला फाइंड कर लो और उसको फिर पीओएस में पूरा का पूरा एक साथ कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे जैसे ए बार बी बार को ए प्लस बी किया, ए बार सी बार को ए प्लस सी किया, तो एक साथ आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, नहीं तो डायरेक्टली वहीं पे पीओएस फाइंड करके उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने पीओएस फॉर्म भी इसका फाइंड कर लिया। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि इसको इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ गेट्स, जैसे हमने फर्स्ट सम में देखा कि और लगाए हुए थे और उनका जो आउटपुट है वो एक एंड को दिया जाता है, जितने भी आपके टर्म्स है उतने और गेट्स आएंगे और फिर उनका जो आउटपुट है वो एंड गेट को जाएगा। ओके, ऊपर हमने ये देखा है कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो दोनों सम्स बहुत इजी थे, मेथड सेम है, चाहे थ्री वेरिएबल आए या फोर वेरिएबल आए, चाहे मीन टर्म्स आए, मैक्स टर्म्स आए या बुलियन एक्सप्रेशन आए। ओके, तो अभी आप एग्जाम में कोई भी सम आ जाए आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरी पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी मैं बहुत सारी यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड पोस्ट अपलोड करती हूँ। डू चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।